अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आई मीन सासमा कामरान। ये लेक्चर नंबर हमारा 13 है। 2.1 हमारी आज वाइंड अप हो गई है। टॉपिक नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसमें क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है हमने। और इसमें क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह हम बता देंगे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के है, और c इज इक्वल टू 4 है। नाउ अप्लाई डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4 ए सी। बी स्केयर हमारे पास जो टर्म थी माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू होल स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। माइनस 2 जो है वो 4 में स्केयर ओपन होने के बाद चेंज हो गया, और जबकि के प्लस 1 ओवर के ऊपर ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई हुआ, तो के स्केयर प्लस 1 ओवर के स्केयर प्लस 2 आ गया हमारे पास। इंटू भी है माइनस 4, 4 जर 16 हो गया। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, तो 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हमने यहाँ से 4 को कॉमन कर लिया। और जो है हमारे पास क्या हो गई, ये शेप आ गई। इसके बाद 4 में से 2 कैंसिल, माइनस किए तो माइनस का 2 आ गया। यहाँ देखे तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये बन जाता है। इसको मैंने बंद किया, और बंद करने के बाद इसको ये शेप दी। इससे हमें पता चला कि सो द रूट्स आर रियल। आपको स्टूडेंट ये समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अहम क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। और हमने क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे राइट किया, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। यानी कि ये रियल है। इसमें ए हमने बता दिया, बी बताया, सी बताया। नाउ अप्लाई डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट को अप्लाई किया और ये ए आ गया हमारे पास माइनस 4 इंटू, सॉरी ये बी आ गया माइनस 4 इंटू ए सी। लिखा यहाँ ए माइनस बी का होल फार्मूला ओपन का फार्मूला, ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन किया, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2 ए सी। माइनस 4 को अंदर अप्लाई कर दिया, ये शेप हो गई और सेकेंड टर्म एज इट इज़ आ गई। अब 4 बी ने माइनस ए माइनस बी से भी मल्टीप्लाई होना है, और माइनस 4 सी ने भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होना है। स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है यहाँ तक? अब क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ रही है, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2 ए सी। माइनस बाहर सेपरेट किया हुआ है, 4 बी बी ए माइनस बी के साथ, और माइनस 4 सी ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये 4 ए बी माइनस 4 बी स्केयर माइनस 4 ए सी माइनस माइनस प्लस 4 बी सी हो गया। अब ये माइनस बी मैंने अप्लाई कर देना है अंदर, फर्स्ट टर्म सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2 ए सी एज इट इज़ रहा। ये माइनस अप्लाई हुआ, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, माइनस का प्लस का था माइनस हो गया। यहाँ देखिए तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, साथ रीअरेंज भी कर दिया। सी स्केयर प्लस ए स्केयर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 4 बी स्केयर वाले टर्म को आगे लिख लिया हमने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और ये प्लस 2 ए सी आ गया माइनस 4 ए बी एज इट इज़ आ गया, 4 बी सी भी एज इट इज़ आ गया आपके पास। यहाँ फिर वही हमारे पास, हमने इसको शेप देनी है फार्मूले की। इसलिए सी का स्केयर कर दिया हमने, ए का होल इंटू करके स्केयर किया, ए टू बी माइनस 2 बी का स्केयर किया, तो ओपन करेंगे तो प्लस 4 बी स्केयर ही आएगा। प्लस 2 बाहर निकाला, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस आपको पता है फार्मूले में प्लस है, बाहर प्लस लगाया, फार्मूले का 2 पहली टर्म आ गई इसके बाद, और फिर ये सेकेंड टर्म हमारे पास बी है। बी के साथ यहाँ पे 4 था, इसलिए बी के साथ हमने माइनस भी लगाया, क्योंकि भाई माइनस था माइनस, और 2 भी लगाया, 2 बी 2 बी ए और 2 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 बी 4 ए बी ही बनेगा। फिर यहाँ ये माइनस का 4 था, इधर भी हमने 10 का 2 लगाया फार्मूले का, और माइनस बी माइनस 2 बी और सी सिंगल कर दिया। ये देखिए इस फार्मूले की शेप आ गई है जो हमने 9th क्लास में फार्मूले की थे इसकी, और अब हमने इसको फार्मूले को क्लोज कर दिया। सो द रूट्स आर रियल, और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये 2.1 जो है वाइंड अप हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गई होगी। आप इसकी भरपूर तैयारी करें। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जाएंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ओमेगा वाली एक्सरसाइज है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और बहुत ही आपको
इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में। ओके, अल्लाह हाफिज़।